खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जहां अमृतसर से लेकर जामनगर 75 किलोमीटर तक लिंक लाइन रोड को लेकर सोमवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी व किसानों द्वारा जंक्शन स्थित किसान भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में कामरेड रामेश्वर वर्मा ने बताया कि जो ये रोड बनने जा रही है, इसमें हनुमानगढ़ क्षेत्र में इसका DLC रेट वास्तविकता से 5 गुना कम है तथा हरियाणा व पंजाब से अधिक है। इस पैटर्न के हिसाब से जो जमीन अधिकृत की जा रही है, उसका रेट किसान को हरियाणा व पंजाब के पैटर्न के हिसाब से दिया जाए। किसान सभा के तहसील संयोजक सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र में अंदर जिस किसी इंसान की या किसान की जमीन से सड़क से निकलेगी, माना जिसकी 10 बीघा जमीन में से सड़क निकलेगी, उसके दोनों साइड में कुछ जमीन बचेगी, उस जमीन का किसान सदुपयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए वह जमीन बंजर हो जाएगी। इसलिए मांग करते हैं कि गांव कोहला के पास में नई FTG नहर का निर्माण हो चुका है तथा उस चक की जमीन मौके पर सिंचित कमांड है, परंतु राजस्व रिकॉर्ड में असिंचित अन्य कमांड है। अधिग्रहण के पहले राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर कमांड किया जाए, जिससे किसान को किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि न हो। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि जमीन का मुआवजा एक मुक्त दिया जाए तथा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए व घर के बुजुर्ग को 20,000 पेंशन दी जाए। इस मांग को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर से किसान मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की जायज मांगों को नहीं माना गया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रेस वार्ता में महेंद्र बिजारनिया, रामकिशन शर्मा, नंदलाल निम्बा, रामकुमार निम्बा, कॉमरेड रघुवीर वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, BS पेंटर व कॉमरेड रघुवीर वर्मा भी मौजूद थे। ढाणी की व्यवस्था कर ले, तो हमने जो मौके पर सर्वे था उसका भी ढाणी पैसे को दो, इसको ढाणी का मुआवजा तो पहले तो ये यहाँ से बोर्डिंग आप।